माफी चाहते हैं, थोड़ा लालच आ गया था, लेकिन चलिए जी, इंसान ही है, इंसान से ही गलती होती है, ये बात सही है। हेलो जी, स्वागत करते हैं आपका हम अपने 5वें ब्लॉग में। हम देख रहे हैं कि जो हमारा यह नया चैनल बना है, इस पर आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। सोचा नहीं था कि जब हमारा पुराना चैनल डिलीट हो जाएगा, जिस पर कि लगभग 44,500 के करीब सब्सक्राइबर थे, और हम नया चैनल जो शुरुआत करेंगे उस पर इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और थैंक यू जी इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हाँ, तो बताना भूल ही गए जी, हम इंस्टाग्राम पर डेली लाइव आते हैं और आप सभी से बातचीत होती है, लाइव कॉल भी लेते हैं और ढेरों बातें होती है। जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, प्लीज हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ रही आईडी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा जी। इधर आप देख रहे होंगे पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ, किचकिच किचकिच एकदम। इधर खूब बारिश हो रही है जी, यहाँ कटिहार में इतनी बारिश हो रही है कि पूछिए मत, हमारा काम कितना अटक जाता है बारिश के चक्कर में जी। हमारा एक छोटा सा काम था, उस काम को करने में 15 दिन लग गए सिर्फ इस बारिश की वजह से। और वह कौन सा काम था और क्यों अटका, बताते हैं आपको जी। हाँ, चलिए रूम में है तो हम चलते हैं रूम पर। ये देखिए जी सफाई देवी को, सफाई देवी ने यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। ये आपको पंखा दिख रहा होगा बिखरा हुआ, और इसका आधा पार्ट उधर है, टांगा तोड़ के अलग रख दिया है इसका है। तो हम इसी के बारे में बता रहे थे, इस पंखा को खोले हुए 15 दिन हो गया है, और 15 दिन से अभी तक यह पंखा उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। और सारी जो जड़ है इस फसाद की, वह है यह सफाई देवी और बारिश। तो अब मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या हुआ था। तो हाँ जी, हुआ ये, अब वो चली गई है जिया, तो मैं ही आप सभी को कहानी बताता हूँ। हुआ ये कि जिया कह रही थी इस पंखा को साफ़ करना है, बहुत गंदा हो गया है, इसको साफ़ करना। हम कहे चलो कर दो साफ़, लेकिन साफ़ करने के लिए बोली क्या कि इसको खोलना पड़ेगा। अब क्या किया जिया, इसको खोल दी। और जिया इसको जो खोली, इसमें एक नट वोल्ट लगा होता है, इसमें वो नट वोल्ट खो दी वो, और लगता है झाड़ू मारने में कहीं इधर उधर हो भी गया होगा। अब नट वोल्ट लेना था मार्केट से, ये वाला नट वोल्ट जी। जब भी मार्केट जाने की बारी आती थी तो बारिश आ जाती थी, और बारिश की वजह से देखिए 15 दिन लग गया एक नट के लिए, एक नट के लिए। तो ऐसा हाल हो गया जी। तो अब ऐसा करते हैं, इंतज़ार ख़त्म हुआ, आज बारिश में थोड़ी राहत मिली और हम मार्केट चले गए और ये ख़रीद के ले आए। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, बेचारा इधर उधर पड़ा हुआ है, जैसे लग रहा अपाहिज कर दिया है इस पंखा को। ये लो ना, अब तुम लगाओ, बैठ के करके आ रही है, लगाओ इसको। सबके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आपको क्या लगता है हम बैठे हुए हैं? ठीक है चलो, हम ही लगाते हैं, क्या कहेंगे आप, जो पत्नी हुक्म दी है मानना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, खराब खाना दे देगी, करेला खिला देगी, झींगा खिला देगी। वाह जिया लगा दी है, अब से जो भी काम होगा घर का, ये बात हाँ जी, नहीं जी हमसे हो जाता, लेकिन सोचे अब यही कर रही है तो इसको करने देते हैं ना। तो आपसे कोई भी इलेक्ट्रिशियन बुलाने का जरूरत नहीं है, जिया से करवा लेंगे सारा काम, ठीक है। पंखा उंखा खोल के उसको थोड़ा सा साफ करके फिर से लगा देना। पैसे दो हैं? पैसे कौन से पैसे, ये लो मोबाइल ले लो, मेरा ही मोबाइल। A few moments later. हमारी जिया सासोतराय फैमिली की एक काफ़ी ही अच्छी सी और प्यारी सी सदस्य हैं शिल्पा जी, उन्होंने हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। हमने तो सोचा था कि उस गिफ्ट की अनपैकिंग आप लोगों के सामने करेंगे, लेकिन जिया को इतना पेशेंस रहा नहीं, तुरंत खोल करके देख ली क्या है क्या नहीं है। तो चलिए जी अब आप सबको भी दिखाते हैं कि क्या उन्होंने भेजा है। ये देखो, ये है राखी। हाँ, बहुत प्यारा सा राखी है। अच्छा, चंदन और तिलक सब है पीछे। वर्ल्ड्स मोस्ट ऑसम भाभी, वाह पहले अपना वाला दिखा दी। भाभी को ज्यादा प्यार करती। अच्छा, और वर्ल्ड्स मोस्ट ऑसम भैया, ओके ये पिलो कवर है ना शायद। हाँ, ये पिलो कवर है और ये पिलो है, दो पिलो भैया और भाभी के लिए। तो शिल्पा जी आपकी इस प्यार भरे गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा था, काफी अच्छा था। A few moments later. माफी चाहते हैं, थोड़ा लालच आ गया था, ऐसी हरकतें करना ही क्यों है कि हमें माफी मांगनी पड़े, लेकिन चलिए इंसान ही है, इंसान से ही गलती होती है, ये बात सही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो अब मैं बताता हूँ कि मैं ये बोल क्यों रहा हूँ और मुद्दा क्या है।
तो जी मुद्दा ये है कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब हमारा चैनल डिलीट हो गया था और नया नया हमने चैनल बनाया था, तो हमारा चैनल जो है सर्च रिजल्ट में शो नहीं करता था, हमारी वीडियो शो नहीं करते थे। जब भी कोई ढूंढता था जिया शाश्वत राय तो हमारी वीडियो नहीं दिखते थे। हमारे नाम से ढेर सारे आईडी बना रखे थे लोगों ने, उनकी वीडियो आ जाते थे सर्च रिजल्ट में, तो सभी कंफ्यूज हो जाते थे कि हमारा चैनल कौन सा है। मतलब इतने सारे वीडियो डाल के रखे थे इधर उधर करके, तो लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा था कि हमारा असली चैनल क्या है। फिर हमने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, उनके चैनल पर गए, उनका ना कोई इंस्टाग्राम का आईडी मिला, ना कुछ ईमेल का मिला, कुछ मिला ही नहीं कि जहां से उनको हम बोल सके कि आप प्लीज हटा लीजिए। तो जी उनके वीडियो में जाकर के हम कमेंट किए और बहुत रिक्वेस्ट किए कि प्लीज आप इन सब वीडियो को हटा लीजिए और यहाँ जो नाम रखा हुआ है, हमारे नाम से जो फोटो इस्तेमाल कर रखा है, लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं करिए। लेकिन नहीं सुने वो, कितनी भी रिक्वेस्ट किए उनसे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम गए इंस्टाग्राम लाइव पर। इंस्टाग्राम लाइव पर हम सभी से पूछे, आप लोग भी होंगे कई लोग उस दिन जुड़े हुए, कि अब क्या किया जाए इस पर। तो उन्होंने कहा कि जी आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे दो, तभी सुधरेंगे ये सभी। तो हम तो नहीं चाहते थे कैसा करें, लेकिन आप में से कई लोगों ने कहा कि हमें काफी दिक्कतें हुई है आपको ढूंढने में, और भी ना जाने कितने लोगों को दिक्कतें हो रही होगी जो आपको ढूंढ ही नहीं पा रहे होंगे। तब हमने कहा कि चलो भाई अब मार ही देते हैं कॉपीराइट का स्ट्राइक। तब कॉपीराइट का जब स्ट्राइक मारे तो यूट्यूब ने उसका वीडियो डिलीट कर दिया। फिर उसके एक दिन बाद ईमेल आता है कि जी प्लीज अपना कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वापस ले लीजिए, अब से हम आपका वीडियो नहीं डालेंगे। तब हम उनको कहे कि सुनिए आप ऐसा करिए, हमारे जो नाम से आप चैनल बना करके रखे हैं, पहले तो नाम हटाइए, हमारा फोटो हटाइए, जो भी बाकी वीडियो बचे हुए हैं वो सारी वीडियो हटा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि सारी वीडियो तो हटा दिया लेकिन हमारा नाम और फोटो नहीं हटाया। हमने कहा कि जी आपको ये भी हटाना पड़ेगा तभी हम कॉपीराइट स्ट्राइक वापस लेंगे। फिर जाकर के उन्होंने सारा नाम और सारा फोटो सब कुछ हटा दिया। फिर मैसेज करते हैं कि जी माफी चाहते हैं, थोड़ा लालच आ गया था। तो जी मुद्दा यही था। तो चलिए जी फाइनली उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, फोटो हटा लिया है, हमने भी कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लिया है। जी उन्हें भी यह समझना चाहिए था कि हमारा अभी थोड़ा हार्ड टाइम था कि अभी भी चल ही रहा है, तो ऐसे समय में उनको तो हमारी हेल्प करनी चाहिए और हेल्प करने की जगह हमारी मजबूरी का वो फायदा उठा रहे थे। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा सही हरकत था उनका। तो कोई बात नहीं जी, उन्होंने अपने चैनल का नाम बदल लिया है और हमारा फोटो भी हटा दिया है और सारी वीडियो भी हटा ली है, तो हमने कॉपीराइट स्ट्राइक भी वापस ले लिया है। तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तो आपसे हम यहीं से विदा लेना चाहते हैं। प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले हमारा वीडियो आपको दिखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।